सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फळरे प्रतिदिन अपलोड हेउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। सर्वप्रथमे जगतर नाथ जगन्नाथ मो मनर मन मो प्राणर प्राण मो हृदयर हृदय भक्तजनानंदकारी श्रीराधिका मनोहारी श्री कृष्ण केशवंकर उभय छंदाचरण तले सर्वाद मानसिक भावरे कोटि कोटि अनंत कोटि बार भूमिपात षष्टांग दंडवत तत्परि श्रद्धापूर्वक ए भागवत कथामृत को श्रवण करुथिबा समस्त सदात्मा दिव्यात्मा मानंकु मोर हृदय गभीरतम प्रदेश सश्रद्ध गुरु स्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार। सजन बृंद गत अध्याय रे आमे आलोचना करुथिले जे द्रौपदीकर पांच पुत्र को हत्या करिबा परे द्रौपदीर मनर अवस्था द्रौपदी भली मार दुख को अवलोकन करी जेतेबेले अर्जुन अश्वत्थामा को दंड विधान करिबा पई कपिध्वज रथ चढ़ी ताकू धाउंचंती तार निकटवर्ती हेबाकु चाहुंचंती अश्वत्थामा भयरे रथ चढ़ी पलायन करिछंती एवं जेतेबेले तांकर घोड़ा माने अटकी जाइछंती बा दुर्बल होई पड़िछंती अश्वत्थामा बुझिबा पारिले तांकर रथ आगकु जाइ पारिबो नाही एई समय निजकु सुरक्षित करिबा पई से अर्जुनक प्रति मध्य ब्रह्मास्त्र प्रयोग करिछंती तेबे जेतेबेले ब्रह्मास्त्र प्रयोग करिछंती अर्जुन मध्य ताकू देखि भयभीत होइछंती अर्जुन को भी जोधा अर्जुन को भीतरे भय काहे की सृष्टि हला से शंकाकुल होइ गले काहे की सारथी श्री कृष्ण को मुख को चाहि देकरी विकल होइ गले मु कोन करिबो ए ब्रह्मसर तेज रे तिनि पुर प्रकंपित होबा को लागिला अर्जुन सखा श्री कृष्ण को पाद तले पड़ी प्रार्थना करबा को लागिले कोन प्रार्थना करिछंती कविंक भाषारे कड़े सुंदर भाव से कहते अर्जुन सखा कृष्णंकर पाद तले विपद माड़ी आसुची सखा अर्जुनंकर विकल प्रार्थना सुनी भगवान श्री कृष्ण हसी देले आहा अश्वत्थामा अधर्मर सहायक होइथिबारु से अजथा ब्रह्मास्त्र प्रयोग करिछि पुनी अर्जुन धर्मपरायण होई मध्य पुत्र विरहरे एते व्यतिव्यस्त होई पड़िछन्ति तांकर चित्तरे चांचल्य देखा दैछि से विरक्ति बोध तांको भीतर गोटे भय संचार होइछि एपटे ब्रह्मास्त्र को देखि भय काहिंकि ना पुत्र विरहरे से जेतेबेले उद्विघ्न मना होइथिबारु तांको मन भीतर तांको निज भीतर मध्य केति शक्ति अछि अर्जुन निज शक्ति को मध्य पासुरी देइ छथि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहुछन्ति विषाद रे घारी हेले निजर शक्ति को मनीष निजे भूली जाए केते सुंदर भाव रे भागवत रे माने रूपांतरित पद को उड़िया भाषा रे कहुछन्ति जगन्नाथ दास भगवान श्री कृष्ण कोन कहुछन्ति तू जे सकल बोलो राशि सर
भगवान कृष्ण की जय। बोल मारा धाराणींकर जय। प्रभुंकर सदी छपूर्ण हे बोला नंदे गौर। भगवान कृष्ण कहिले हे सखा अर्जुन तुझे सकल मंत्र जानु चंचल चितेन प्रमाणु तोते सब प्रकार मंत्र जणा तो तो पाखरे सकल सिद्धि रहिची किंतु तू चंचल चित होइचु तू उद्विग्न मना हे जाइचु पुत्र विरहरे तो पुत्र माने चले जाइचंती द्रौपदीर दुख को तो आखिरे तू देखिचु द्रौपदी को भली पुत्र विधुरा हे कांदुची क्रंदन रता द्रौपदी ताकु देखिकिरी तू चंचल चित्त हे जाइचु हे मोर प्रिय सखा अर्जुन ब्रह्मास्त्र को प्रतिहत करिवार शक्ति सामर्थ्य तुम पाखरे अछि तुमे तार प्रयोग विधि मध्य जानिचो केवल चित चांचल्य दोष रु तुम से कथा विस्मरण हो जाए मन विचलित हेले प्रमाद पड़े मनुष्य निजक निजे मापी पारे ना विज्ञ व्यक्ति मध्य अज्ञ पलटि जाए चित्त चंचल हेले मनुष दुर्घटनाग्रस्त हो जाए सामर्थ्य थाई मध्य कार्य निर्वाह करने को असमर्थ हो पड़े। हे अर्जुन तुम्हें विधिपूर्वक ध्यान कर ब्रह्मास्त्र को प्रयोग कर भगवान श्रीकृष्ण ये चेतना पाइला परे चैतन्य पुरुष भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को चेतना दे चेतना पाइला परे अर्जुन मध्य ब्रह्मास्त्र प्रयोग कले ब्रह्मास्त्र द्वारा ब्रह्मास्त्र रो जो प्रभाव को निष्क्रिय करी अर्जुन अश्वत्थामा को आयत्त करिनेले कंटा को कंटा कंटा द्वारा काढ़ा भली ब्रह्मास्त्र द्वारा ब्रह्मास्त्र को अर्जुन अश्वत्थामार ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय करिदे निष्प्रभ करिदे केश आकर्षण करी धरिले अश्वत्थामार अश्वत्थाम को हाथ को बंधन करदे बंधन दौड़ी टाणी टाणी द्रौपदी पाख को ए भगवान कृष्ण पाख को प्रथम आणिले टाणी टाणी भगवान चीर मंगलमय दुष्ट शिष्ट केहितांकर प्रकृत रे शत्रु नुहंती भगवान हो मंगल भवन अमंगल हारी भगवान केवे कहार अमंगल चिंता करती ना अर्जुन को परीक्षा करिबा पाई भगवान कृष्ण एक प्रकार कथा तापरे कहउछन्ति तबे कोन कहउछन्ति परीक्षा करिबा पाई हृदय रे दया भाव रखी मुहरे कठोरता प्रकाश करी कहउछन्ति भगवान कृष्ण कोन कहउछन्ति मने तु अन्य प्रभुंकर सदी इच्छा पूर्ण हे बोला नंदे गवार। तबे स्वजन वृंद भगवान कृष्ण कहले मने तु अन्य न विचार बेगे यार प्राण हर अश्वत्थामार केश आकर्षण करी बंधन दौड़ी रे बांधि टाणी टाणी भगवान कृष्ण को आणिला मात्रे भगवान कृष्ण कहुचंती हे अर्जुन मनरे आउ अन्य कौनसी भावना आणो ना तुम्हें अश्वत्थामा को बद्ध कर ये हूँ आतता यार अपराध अक्षमणीय कहीं अक्षमणीय एठारे प्रभु केतोटी नीति शिक्षा मध्य देउछन्ति को अपराध बिल्कुल क्षमा नाही बलवान लोक बल शक्तिमान लोकर शक्ति केउठि सदुपयोग हुए बलवान लोकर बल कोठी सदुपयोग करिबा दरकार शक्तिमान लोक शक्ति कोठी तार प्रयोग करिबा दरकार बल अछि बोली पाप अर्जन करिबो नाही अश्वत्थामा युद्धर जो नियम युद्धर जो नियम रही अश्वत्थामा ताकु उल्लंघन करिछन्ति तेनु ये होती आतताई या छाड़ा अनुचित कारण युद्ध पड़िया नुहे से अन्याय रे निद्रित अवस्था थिबा पांचाली पंच पुत्र को हत्या करिछन्ति तेनु ये होती आतता ये अनुचित काम करिछन्ति कौरव मानकर शत्रुता पांडव मानक निर्दोष शिशु बालक प्रति शत्रुता केबे भी नथिला यहाँ हूँ क्षतिर धर्म कलि जुगरे धर्म नहीं अन्य जुगरे बाप जदि शत्रु है बाप सहित युद्ध करा जाए बापर सरल शिशु जो तार पुओ ताकु कहीं विष दे के षड्यंत्र करी मारी दौन अलग जुगरे दिन रे युद्ध हुए हेले राति रे निर्विकार चित्र निर्विवाद रे मित्र भली कथाबार्ता हुंती शिविर भितरे युद्ध पड़िया पाखरे जो शिविर पड़ी थाए खल लोक मन रे शत्रुता प्रति मुहूर्त रे थाए किंतु प्रकृत रे जे न्याय बंत जे प्रकृत रे जोथा जे क्षत्रिय रो नीति नियम विधि विधान को जानिछि ता भीतर शत्रुता सब समय रे न था युद्ध बेले शत्रुता किंतु खळ लोक भीतर शत्रुता सब समय रे था हेले क्षत्रिय धर्म पालन करतिया व्यक्ति भीतर युद्ध समय व्यतीत अन्य समय रे शत्रुता न था शिशु हत्या को मानगोविंद दुर्योधन मध्य पसंद करिनांत अश्वत्थामा को निंदा करिसंती
दुर्योधन सिना शिशु हत्या को शास्त्रीय दृष्टि पसंद कले ना हेले पांडव मानक प्रति तांक मनरे शत्रु भाव प्रति मुहूर्त रे थिला। दुर्योधन को काहीं मानव गोविंद कहा जाए ए अध्याय रे मुसे कथा आलोचना करू ना। गोविंद शब्द ता नाम रे जोड़ा जाय छी मानव गोविंद तार मध्य भल गुण किसी थिला ताकु ए परिप्रेक्षी मु आलोचना करू ना। तार चरित्र कौन थिला गोविंद नाम रे से काहीं नामित होइछंती तबे जहा हो भगवान श्रीकृष्ण कहिले अशोकथामा मानव धर्म को उल्लंघन करिछंती काहा को हत्या करबा उचित नुहे से कथा मध्य भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउछंती से परिप्रेक्षी से समय रे कहउछंती मत प्रमत मत बद्ध करिबा उचित नुहे भगवान श्रीकृष्ण शिक्षा छळरे ए कथा अर्जुन को कहुछंती कले मत प्रमत उन्नमत मत कहिले पागल संसार रे केहि केहि अछंती से माने धन गर्भ रे रूप गर्भ रे बाहुबल रे गर्भ रे मदमत्त होइथांती कहा को किछि न कहिले मध्य मन भितर से अन्य को हिंसा करु थांती अन्य को न्यून मने करी निज को बड़ मने करंती से माने से माने मत गर्भ दोष अर्जन करिथिले मध्य निज जागारे से ठीक अछंती बोली भावन्ते दोष अर्जन कले मध्य एमाने होछन्ति जिद्दिया लोक मतगर्भी लोक भूल को ठीक भावुथिबा पागल होछन्ति एमाने प्रमत्त कहिले ये आउट कि ऊपर स्तर रो पागल एमाने निजर गर्भदम्भ को अंतर रे साइति रखी पारंती नाही मुक्त कंठ रे अहंकार बाणी प्रकाश करंती अन्यर क्षति पाई योजना बांधंती सत उपदेश देले मध्य से माने ग्रहण करंती नाही माने प्रमत्त माने आहुरि टिकिए पागला सत उपदेश देउतवा लोक प्रति मध्य शत्रु भाव रखंती सत्यनिष्ठ लोक को योजना बांधि बदनाम करंती निजे प्रतिष्ठा पाइबा पाई अन्यर जस कीर्ति रे कलंक लगैबा को मध्य चेष्टा करंती पश्चात पद गुंती नाही ए माने प्रचंड प्रागल आ उन्नमत मत प्रमत्त उन्नमत उन्नमत कहिले ए दुईटी स्तर रु आहुरि ऊर्ध्व स्तर माने मानसिक भारसाम्य हरैला वाला पागल समाज रे किछि लोक आपण माने देखिथिबे कोनोसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्रति प्रबल आसक्ति से मानकर थाय ताको प्राप्त करि न पारिले मानसिक संतुलन संतुलन हरै करि बैलेंस फेल हे करि से माने पागल हे जानते ए मानकु हत्या न करि दया करबा उचित वास्तव रे जे पागल ताको दया करबा उचित सत्य को जानिले मनुष्य तत्व को भेद करे तत्व को भेद करिबा अर्थ कोनोसी विचार योग्य कथार मूल कारण को भेद करिबा ई हुचि तत्व दर्शन जे मत माने प्रथम स्तर रो पागल से निज को गर्भ रे बड़ मने करी अन्य को हेय ज्ञान करे करू निज को बड़ बोली भाबिकरी केहि केबे ए संसार रे बड़ हेला एटा गुटे पागल अन्य माने ता प्रति आक्रोश न रखी दयालु हबा कथा ते मन भितरे जनक प्रति दया भाव केते बेले आसे जेतेबेले ता संपर्क रे आमे सत्य को जानि पारबा जनकर अभाव अछि आमे सत्य को जानिले आमे जानिला परे ताको सहाय्य करिबा ना ताको हत्या करिबा कोंतु दया भाव देखैबा दया भाव देखैबा ना ता प्रति निष्ठुर होबा ता पाखरे विश्व प्रेम नाही ईश्वरीय आदर्श नाही से प्रेम भाव रे दरिद्र एहा जानिला परे तुम्हें ता पागलामीर कारण को भेद करी गल्ल तेबे भल मनीष होई मुं जेतेबेले भल मनीष मु भल मनीष होइकरि ता प्रति दया भाव देखैबि ना शत्रुता करिबि शत्रुता केबि करिबा उचित नहि जे भल मनीष जे आदर्शमय ताकु ईश्वर होचंती साहा भरोसा मनीष तार शत्रुता कले भी किछि करि पारिबो ना एक कथा के दशम स्कंद भागवत रे मध्ये जानिबा कंसर प्रहरी माने केमिति प्रभु जेतेरे आसीचंती से माने आपे आपे सब निस्तेज हे गेले सोई पडिले अचेत हे गेले जे प्रमत्त से निजर ज्ञान गारिमा निजर जो बड़ पणिया से निज को निजे गाय चले गाय भी गाऊ किसी असुविधा नहीं तुम्हें तो जान लो यही कारण से परी
ହଉଛି ଏଇ ଏଇ କାରଣରୁ ସେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ନିଜର ବଡ଼ି ମା ବଡ଼ ପଣିଆ ଦେଖଉଛି ଏଟା ଜାଣିଲ ତାକୁ ଟେକି ଟାକି କହିଲେ ସେ ଖୁସି ହେବ ତା ପ୍ରତି ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବ ଗୋଟେ ରଖିବ ତାକୁ ଟିକେ ଟେକି ଟାକି କରି ଉପର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ ତେବେ ଯାଇ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯାହାର ନିନ୍ଦା ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାର ପ୍ରଶଂସା କରି ଶିଖିଛି ଯଦି ପାରୁଛ କୌଶଳ କ୍ରମେ ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଶତ୍ରୁତା କରିବ ନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ପାଗଳକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପରିବାରରୁ ସଂସ୍କାର ପାଇନଥାନ୍ତି ପାଗଳ ଉପରକୁ ଟେକା ପଥର ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି କାଦୁଅ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି ଥଟା ପରି ଆସି କରନ୍ତି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ଠାରୁ ସେ କେତେ ଉପରସ୍ଥ ସେ ପାଗଳଟି ତାର କାହା ପ୍ରତି ହିଂସା ଭାବ ଈର୍ଷା ଭାବ ତାର ମାଇଣ୍ଡ ଫେଲ୍ ଭଲ ଖାଇବା ଭଲ ପିନ୍ଧିବାର ଆସକ୍ତି ତା ଭିତରେ ନାହିଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହଡପ କରିବାର ମନବୃତ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଯୋଜନା ବାନ୍ଧୁ ନାହିଁ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ସବୁଦିନ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ସାତଟାରେ ଖାଉଥିଲା ବେଳେ ଯଦି କୋଉଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ନଅଟା ବାଜିଗଲା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଡେରି ହେଇଗଲା ତେବେ ପେଟ କର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଯାଉଛି ପାଗଳ କେତେବେଳେ କଣ ଖାଉଛି ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ କେତେବେଳେ ପାଣି ପିଉଛି ତାର ଠିକ ନାହିଁ ଆମେ ଲୁଗାପଟା ସଫା ନ କଲେ ଜୀବାଣୁଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଇନଫେକ୍ସନ ଆମର ହେଇଯିବ କେତେ ଭୟ କେତେ ସଫା ସୁତୁରା ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲେ ପାଗଳ ତାର ଲୁଗାପଟା ସେ ସଫା କରୁଛି ତୁମେ ପରିବାର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ବଞ୍ଚିଛ ମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ କିନ୍ତୁ ପାଗଳ ପାଗଳ କି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ପାଗଳ କାହାର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଲୋଡ଼ା କରୁଛି କି କାହାଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁଛି କି ପାଗଳ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ଭରସାରେ ବଞ୍ଚିଛି ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ସେ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତେଣୁ ସଂସାରରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ପାଗଳ ଅଛନ୍ତି ମତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମତ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଉନ୍ନମତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେହି କେହି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବି ପାଗଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ହୋଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ପାସରି ଯାଆନ୍ତି ମୀରାବାଇଙ୍କ ଭୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଗଳକୁ କେବେ ହତ୍ୟା କରିବା ତେଣୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଉ କହିଲେ କଣ ନା ବାଳ ବନିତା ନିଦ୍ରାଗତ ଶିଶୁ ବାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ସରଳ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ନିଷ୍ପାପ ନିଷ୍କପଟ ତାଙ୍କର କାହା ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନଥାଏ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ କଢ଼କୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ନଷ୍ଟ କରିବା ଯାହା ଛୋଟ ବାଳକକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର କ୍ରମ ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ଏଇ ଯୋଉ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବା ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ କଢ଼କୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବା ବନିତା ମାନେ ନାରୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବନିତା ଯିଏ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବରଣ କରେ ନିତ୍ୟ ବରଣ କରେ ନିତ୍ୟ ହେତୁ ସେ ବନିତା ଯିଏ ନିତ୍ୟ ଦୁଃଖକୁ ବରଣ କରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ପରିବାରରେ ଯେତେ ଆସିଲେ ବି ସେ ସହିଯାଏ ବରଣ କରେ ସେ ହେଉଛି ବନିତା ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ନାରୀ ହତ୍ୟାର କାରଣ ଯିଏ ସାଜେ ବା ହତ୍ୟା କରେ ସେ ମାତୃହନ୍ତା ମାତୃହନ୍ତାକୁ ତ୍ରିଭୁବନରେ ସ୍ଥାନ ମିଳେ ନାହିଁ ଆଉ ନିଦ୍ରାଗତକୁ ଯିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଯଦି ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ଯିଏ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ କଥା ଯିଏ ନିଦ୍ରାଗତ ସେ ଚେତନା ଶୂନ୍ୟ ମଣିଷ ଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ନିର୍ବାହ କରେ ଆଉ ଶୋଇଗଲା ପରେ ଆଖି ପାଟି ହାତ ଗୋଡ ସମସ୍ତେ ନିସ୍ତେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କେବଳ ଚାଲୁଥାଏ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମଣିଷ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ବା ତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ ଶୋଇଲା ପରେ ସେ ତ ଅଚେତନ ହେଇଯାଏ ତେବେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନବା ଆଣିବା କରେ କିଏ ନା ଭଗବାନ ଜୀବର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ଜୀବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାର୍ଥୀକୁ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରେ ମଣିଷର ସେ ମଣିଷର ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ଆମ ଶରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଆସେ କହେ ମତେ ଟିକେ ଶରଣ ଦିଅ ରକ୍ଷା କର ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ ଆମର ଯିଏ ଶରଣାପନ୍ନ ଆଉ ଯିଏ ରଥହୀନ ଭୂମି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧର ଏହା ନିୟମ ନୁହେଁ ଏଠାରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ତ ରଥହୀନ ଥିଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କିପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ତୁମେ ସରବିଦ୍ଧ କର ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ନିୟମ ରହିଛି ଅନେକ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି ହେଲେ ସେ ତଳ ବିଶେଷରେ ସବୁ ନିୟମ ସବୁଠାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟତା ଲୁଚି ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବା ଦରକାର ତେବେ ସବୁ କଥା ତ ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡରେ କହିବ ନାହିଁ ତଥାପି ସାମାନ୍ୟତମ କହୁଛି ଗୁରୁଜନକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ବିଧାନ ଅଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା
थोरे आरंभ करि दैछ से प्रणाम को केबे भी जीवन रे प्रत्याहार करबा उचित नहि हेले गुरुजन जदि तुम इष्ट देवता गुरु को विरुद्ध रे कहंती तबे ताको नमस्कार नकले भी दोष लागिबो नहि से तुमर गुरुद्रु पुनी गुरुजन गुरुजन विचारता पारिवारिक जीवन रे अलगा सामाजिक जीवन रे अलगा आध्यात्मिक जीवन रे मध्य अलगा कर्ण थिले महादान सूर्यंकर पुत्र अप्रतिद्वंदी योद्धा परशुरामंकर शिष्य परम जोगी परम ज्ञानी परम त्याग हेले गोटे अपराध पाई भगवान कृष्ण रथहीन मारिबा पाई अर्जुन को परामर्श देथिले नारी रो अपमान सबुठार बड़ अपराध होचे नारी रो अपमान गुरु सभारे कर्ण माता द्रौपदी को बेश्या बोली संबोधन करथिले द्रौपदी पंचपति विशिष्टा होइथिले मध्ये से त्रिभुवन रे होचंती सती पदवाची से थिले अग्नि संभूता अग्नि कन्या प्रत्येदिन स्वामी संभोग परे से निजकु अग्नि रे आहुति दै नूतन शरीर धारण करूथिले तेनु युधिष्ठिरंक सहित जेउ शरीर रात्रि जापन करूथिले परदिन भीमंक सहित से एका शरीर रात्रि जापन करू नथिले सेदिन सी अग्नि रु बाहरी नूतन रूपटिए नूतन शरीर टिए धारण करूथिले मा पांचाली बा द्रौपदी ऐश्वर्य शक्ति रे परिपूर्ण थिले द्रौपदी माता प्रति मुहूर्त रे से कृष्ण नाम हृदय रे मानस रे उच्चारण करूथिले जे सर्वदा नाम जप करे तार शरीर सर्वदा गंगा रे स्नान करूछि बोली धरा जाय जा हृदय रे भगवान सदा विराजित से तो परम पवित्र द्रौपदी एथि पाई बेस्या नुहंति से निजर देह भोग को मेंटेइबा पाई निज इच्छा रे पंचस्वामी वरण करि नथिले मातृ आज्ञा पालन करि पंचस्वामी तांकु स्त्री रूप रे स्वीकार करथिले एथिरे द्रौपदींकर कोनोसी भूमिका नथिला देह थिला स्वामी मानक पाखरे किंतु द्रौपदींकर मन आ आत्मा थिला श्री कृष्णक पाखरे आगुरु तुम कहि सारिछि जे पाप छुए मन को देह को नहि विकार तोले मन आउ ए अध्याय को बढ़ेबा पई मु चाहू नाही नहले कहि थांती बलराम दास सारुलता वेश्यांक पाख को जाई मध्य भक्त श्रेष्ठर परिचय बहन करथिले केमिति से तो बहुत कथा तबे जाहे मातृ जाति जेहेतु उत्पत्ति स्थिति संघार रो कारण तांकु वेश्या संबोधन करबा केबे भी उचित नुहे तबे वेश्या संबोधन करी द्रौपदींक प्रति द्रौपदींक कटाक्ष प्रयोग करी कर्ण महापापी रो परिचय बहन करी कौनसी मनुष्य ता निज संपर्क रे ज्ञात नुहे निज संपर्क रे केही ज्ञात नुहे तेनु मा को आमे कहि परिबा कि जे मो बापा किए प्रकृत रे बोली मा जहा को चिन्हिंदे आमे ताको बापा बोली डाकन कर्ण निजे भी जानि नथिले तांगो मा कि बापा कि सृष्टि तत्व को भेद न करी महाज्ञानी महादानी परम त्यागी कर्ण अधर्म को सहयोग करी मदमत्त होई द्रौपदी को वेश्या संबोधन करी महापाप करथिले मातृ जाति को अपमानित करथिबा व्यक्ति रथहीन थिले मध्य ताको बद्ध करिवारे अपराध नाही मातृभूमि सहित जे प्रताड़ना करिछि से लोक को मध्य मारि देले अपराध नाही अश्वत्थामा निद्रित अवस्था रे थिबा से जो पांच पुओ होचंती कि द्रौपदी मकर से पुओ मान को जो केते त पांच जन कर ना तो कोन थिला से सब कोन श्रुत वृंद्य सुत सोम श्रुत कर्मा सतनिक सतनिक तांको भितर जने राजर्षि थिले आउ श्रुत सेन ए जो द्रौपदींकर पंचपुत्र को हत्या करी समस्त पाप रे भागी होई छंती अश्वत्थामा छोट बालक पागल प्राय चेतना शून्य ए माने स्वभाव रे बालक थिले तेनु पागल हत्या बालक हत्या पातक एहा को लागि चिका अश्वत्थामा को पांचाली रो आत्मा रूपी संतान को हत्या करी दुखर कारण होइथिबारु याकु नारी हत्या पातक मध्य लागिछि आत्मा कांदुछि द्रौपदींकर पुत्र माने निद्रित थिले से पापरे ये मध्य पापी हिचंती निद्रित अवस्था रे हत्या करिछि छोट पिला बापा मा गुरुजन को शरणागत शरणार्थी तेनु ये शरणागत को हत्या करितिबा मध्य हत्याकारी रथहीन मध्य शयन कक्ष मध्य युद्ध क्षेत्र नुहे समस्त पापरे पापी साजिछि अश्वत्थामा तेनु याकु तुरंत मृत्यु दंड दबा कथा याकु हत्या करबा कथा बोले भगवान कृष्ण अर्जुन को कहउचंती याकु मारिले कौनसी प्रकार दोष नाही कारण शास्त्र कहउचंती कोन शास्त्र कहउचंती पर जीवन मारी आत्मा को पोसे छु प्राणी पर मरणे हुए पुण्य
जी निजर पेट को पूर्ण करिबा पाई, जी निजर स्वार्थ को पूर्ण करिबा पाई, अन्यर जीवन को हत्या करे, से संसार रु चली गले संसार रक्षा पाई। धरित्री माता भारा लाघव हेबो, अहिंसा होची परम धर्म, जीव प्रति दया भाव। अहिंसा कथा आम निश्चित रूप से आलोचना करिबा जोग दर्शन रे, एटा सांख्य दर्शन जोग दर्शन अच्छी कपिल देवहूति प्रसंग रे, आम से कथा से निश्चित रूप से आलोचना करिबा। तेणु अहिंसा हूँ परम धर्म, जीव प्रति दया भाव हूँ परम धर्म। आ गोटे कथा हे अर्जुन, तुम्हें द्रौपदी पाखे वचनबद्ध जे तार पुत्र हंता को विनाश कर, तेणु क्षण मात्र विलंब आउ कर ना, अशोत्थामार शिरच्छेदन कर, या छाड़ी देवा उचित हम ना कस्मिन काल, ये दयार पात्र नुहे। कारण कौन? ए पापी आ तो छाई सोर बालक हंताई तुम सोर साहस होई भोग कोला तार विपद चिंतिला एणु ए गणा पशु गणे नित्य बंचई धोर गणे बोलानंद कंद भगवान की जय। प्रभुंकर सदिच्छा पूर्ण हे बोलानंद एक बार बोला। भगवान श्री कृष्ण कहुचंती हे अर्जुन, अश्वत्थामा हूँ पापी आतताई घोर मारात्मक नर, तुम पुत्र मानकर हत्याकारी, तुमर खाई तुमर से अनिष्ट चिंता करिछि, कुरुवंशर से अन्न रे परिपालित होइछि, महाभारत युद्धर फलाफल स्पष्ट हो सारी। हे अर्जुन तुम्हें थोड़े चिंता करो, महाभारत युद्धर फलाफल स्पष्ट हो चली, पांडव माने होचंति विजयी, राज्य रे अधिकार होची विजयी मानकर, तेणु एवं अश्वत्थामा पांडव मानकर आश्रित, तुमरी आश्रित बोली स्पष्ट भावे जानिला परे मध्य तुमर से अनिष्ट चिंता करिछि, तेणु ये हूँ राजद्रोही, यार चेतना शक्ति नष्ट हो सारी, ये पशु भाव बेचित पशु घोर बण से बास कला भली, ये पशुतुल्य हिंसुक निष्ठुर लोकंकर सह संगलाभ करुचि बा संग करुचि, तेणु यहाँ मारी देवा उचित। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को यहीपरि भाव में लौकिक विचारधारा संबलित ज्ञान कथा कहिले, तेणु जगन्नाथ दास कहते भगवान की प्रभुंकर सदिच्छा पूर्ण हे बोलानंद एक बार बोला। तेरे सजन वृंद, पापी आउ आतताई पाई दंड विधान कौन हेबा उचित बोली भगवान कृष्ण अर्जुन को विशद भाव बुझेला परे मध्य अर्जुन अश्वत्थामा को हत्या करि पारु ना, एठार प्रश्न उठे जे कृष्ण कथा को नति स्वीकार करि अर्जुन विषाद तेजी महाभारत युद्ध रे लागि पड़िले, युद्धरे लागि पड़िले हजार हजार सैन्य को धराशायी करि देले, सेइ कृष्ण एबे अश्वत्थामा को हत्या करबा को कहउछन्ति, किंतु अर्जुन मानु नाहन्ति काहेकि, अर्जुन कौन है आज से कृष्ण कथा को उपेक्षा करुछन्ति काहेकि, काहेकि अश्वत्थामा को कृष्ण कहिला मात्र अर्जुन हत्या करि पारु नाहन्ति, कौन है असुविधा? तेणु सजन वृंद, ये गोटे विराट महिमार कथा, परामर्श देला अर्जुन अश्वत्थामा को हत्या करुनाहन्ति काहेकि, तेबे जहांको पाद तले जीवन सर्वस्व को अर्जुन अर्पण करिछन्ते तांको आज्ञा को कोन अवज्ञा करुछन्ति? भागवत रे गोटे कथा अछि, जहार जे भाव देखे नाब मु दियै सलखे, अर्जुन को मन रे क्रोध थिला, पुत्र हंता ठारु प्रतिशोध नेबार भावना सक्रिय थिला, भगवान कृष्ण लौकिक विचार रे सखा अर्जुन को ए बाणी की प्रकाश करिछन्ते, ए कथा अर्जुन जानन्ते, श्रीकृष्णंकर निकटवर्ती होइ अर्जुनंक भळि भक्त भगवानंकर स्वभाव को कियदांश से जानि परिचन्ति, प्रकृतरे भगवान कृष्णंकर स्वभाव को से को भळि कथा कहि पारन्ति? जदि अश्वत्थामा ब्राह्मण धर्म को उल्लंघन करिछि, एबे क्षत्रिय धर्म को उल्लंघन करिछि बोली से अपराधी, जदि मू धर्म को उल्लंघन करे तेबे मू तो अपराधी, अर्जुन कथा चिंता करुछन्ति, मू तो अपराधी साजिबि,
अष्टादश अध्याय गीता श्रवण रु अर्जुन तो वर्ण धर्म को सुनी सारी प्रकृत क्या ब्राह्मण बोली कह जाए एक तो अर्जुन सुनी कौन गीतारे अच्छी से कथा जिए शांत भाव जिए आत्म संयमी जिए तपस्वी पति माने नारी हेले पतिव्रता स्वामी हेले मध्य पत्नीव्रता ता भीतर पवित्रता थिबो सहिष्णुता गुण थिबो साधुता थिबो ज्ञानी हेइथिबो विज्ञानी हेइथिबो एवं धर्म भाव ଏସବୁ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୁଣ। ଦ୍ରୌପଦୀର ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପାଖରେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କଣ ବିବେଚନା କରିବା? ତା ପାଖରେ କଣ ସମ ଅଛି ନା ଦମ ଅଛି, ବିନୟ ଭାବ ଅଛି ନା କୌଣସି ଭାବ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଏ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଇଛି, ଜଣାଯାଇଛି। ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ଅର୍ଜୁନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଛି ମୁଁ, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ନ ରହିବ ତେବେ ମୁଁ ତ ନୀତିହୀନ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେଇଯିବି। କ୍ଷତ୍ରିୟର ଗୁଣ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ କେମିତି? କ୍ଷତ୍ରିୟର ଗୁଣ କଣ କି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସୌର୍ଯ୍ୟଂ ତେଜ ଧୃତି ଦାକ୍ଷଂ ଯୁଧେ ଚାପ୍ୟ ପଳାୟନଂ ଦାନବିଶ୍ୱର ଭାବଶ୍ଚ କ୍ଷତ୍ରଂ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବଜଂ। କ୍ଷତ୍ରିୟର ଗୁଣ କଣ, ଧର୍ମ କଣ ନା ବୀରପଣିଆ, ତେଜ ଶକ୍ତି, ଧୃତି। ଧୃତିଟା ହଉଛି ସହିବା ଗୁଣ, ସହନଶୀଳତା, ମାନେ ଜିତିବାର ଦକ୍ଷତା ପୁଣି ହାରିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେବେଳେ ହାରିବାକୁ ପଡିବ, କେତେବେଳେ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ଜିତିବାର ଦକ୍ଷତା ଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାରିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥିରଚିତ୍ତ, ପଦାନ୍ୟତା, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତ୍ରିୟର ହଉଛି ଗୁଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପାଖରେ ନ ଥିବାରୁ ସେ ଅପରାଧୀ। ଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତା ପାଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୁଣ ନାହିଁ ବା କ୍ଷତ୍ରିୟର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଗୀତା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଗୁଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀ ସାଜିବି। ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ନଥିବାରୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ କି କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ତେବେ ମୁଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ମୋତେ ବି କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହିଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବୈଶ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଶୂଦ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କଲେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଚିହ୍ନିଲେ ଯାଇ ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯିଏ ନ୍ୟାୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ତାକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ଗୋପାଳନ ଯିଏ କରେ ସେ ବୈଶ୍ୟ, ଆଉ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶୂଦ୍ର। ଏଇ ଚାରିଟି କର୍ମକୁ ବରଣ କରିବାରୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ହେଇଛି। ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମୟା ସୃଷ୍ଟଂ ଗୁଣକର୍ମ ବିଭାଗ ସହ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇଠୁ ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଲୌକିକ ଆଚାରରେ କହିଦେଲେ ଭଗବାନ ଯେ ୟା ତ ପାଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ହତ୍ୟା କରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ମୋ ସଖା ଅର୍ଜୁନ ଏ କଥା ବି ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଭାବର ତରଙ୍ଗ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ। ଭଗବାନ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅର୍ଜୁନ କେମିତି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି, କଣ କରିଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ କୋଉ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ତାର ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଲି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଶ୍ରୀକେଶବାର୍ପଣମସ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକେଶବାର୍ପଣମସ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକେଶବାର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକେଶବ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଶରଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସପ୍ରେମ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ, ପ୍ରୀତିଭରା ନମସ୍କାର।